वह मेथड जिसमें ना तो हम मोमेंटम की बात करेंगे ना हम एनर्जी की बात करेंगे, पूरी तरह से हम बात करेंगे फोर्स, न्यूटन्स लॉ और काइनेमेटिक्स। देखिए मैं इस मेथड को पूरा साफ कर रहा हूं। देखिए इनिशियल कंडीशन तो मैं बने रहने देना चाहता हूं, अब मैं किसी भी स्टेट पर किसी भी कंडीशन पर पार्टिकल्स की सिचुएशन को देख रहा हूं। दिस इज दैट सिचुएशन। यह मास m1, मास m2, स्प्रिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर ऑफ टर्न्स स्प्रिंग में सेम रहते। दिस इज एट एनी इंस्टेंट। मुझे काफी सारा लिखना है, मेथड थोड़ा लंबा है और काफी सारा मुझे सिर्फ इसी बोर्ड पर लिखना है, मेरे पास स्पेस काफी कम है। बड़ी कंजूसी से काम करूंगा, बोर्ड का हर कोना इस्तेमाल करूंगा, थोड़ा छोटा छोटा भी लिखूंगा। प्लीज बड़े ध्यान से देखिएगा भी सुनिएगा भी और बियर विथ माय स्मॉल लेटर्स। यह किसी भी इंस्टेंट की बात कर रहा हूं और इस इंस्टेंट पर इस स्प्रिंग में एलोंगेशन एक्स से आ गया है। नेचुरल लेंथ एल थी, स्प्रिंग एक्स से एलोंगेट हो गई है और इस समय पर मास एम टू का एक्सीलरेशन ए टू है और वेलोसिटी वी टू है और इस सिचुएशन पर मास m1 का एक्सीलरेशन a1 है और वेलोसिटी v1 है। मैंने सारी वेलोसिटीज और सारे एक्सीलरेशन को पॉजिटिव डायरेक्शन में ही असाइन करा है। फिर मैंने असाइन कर दिया, कोई इंटरमीडिएट सिचुएशन ले ली, बस मास m2 को मैंने ए टू से एक्सीलरेट होते हुए देखा पॉजिटिव डायरेक्शन में और वी टू से मूव होते हुए देखा पॉजिटिव डायरेक्शन में। मास एम वन को ए वन से मूव एक्सीलरेट होते हुए देख रहा हूं और वी वन से मूव होते हुए देखा। अब मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं, तीन फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा, तीन अलग अलग। पहले फ्री बॉडी डायग्राम में मास m1 को ले रहा हूं, दूसरे फ्री बॉडी डायग्राम में स्प्रिंग को ले रहा हूं और तीसरे फ्री बॉडी डायग्राम में मास m2 को ले रहा हूं। फ्री बॉडी डायग्राम बनाते से एक नियम है कि सबसे पहले काइनेमेटिक्स के पैरामीटर इंडिकेट कर दिए जाते हैं, सबसे पहले एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, इनके पैरामीटर्स को लिख दिया जाता है सबसे पहले और इन्हें रिलेट भी कर दिया जाता है। मास m2 का एक्सीलरेशन a2, वेलोसिटी v2, मास m1 का एक्सीलरेशन a1, वेलोसिटी v1, काइनेमेटिक्स के पैरामीटर। अभी काम पूरा नहीं हुआ है, अभी कार्य अधूरा है, इस तरह से अधूरा है कि मैंने स्प्रिंग के बारे में भी कोई जिक्र नहीं करा। स्प्रिंग का यह एंड v2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है और स्प्रिंग का यह एंड v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, स्प्रिंग जो कि x से एलोंगेटेड है।
अभी भी काम पूरा नहीं हुआ है, काम में अभी भी एक चीज बाकी है। मैंने कहा काइनेमेटिक्स के पैरामीटर्स को इंडिकेट और असाइन करने के साथ साथ उनको सबसे पहले रिलेट भी कर दिया जाना चाहिए। इधर रिलेशनशिप हम अच्छी तरह से जानते हैं, ए टू वुड बी डी वी टू बाई डी टी, हम इसे लिखेंगे, एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल टू वुड बी डी वी टू बाई डी टी, एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल वन वुड बी ए वन वुड बी डी वी वन बाई डी टी, ये हम जानते हैं, लिखेंगे। खास जो लिखने वाली चीज है दैट इज स्प्रिंग के लिए, स्प्रिंग के लिए काइनेमेटिक्स के पैरामीटर को सबसे पहले लिख दिया जाना चाहिए, जो इक्वेशन हमने लिखी थी कि स्प्रिंग का एलोंगेशन यदि x है देन दिस एलोंगेशन x वुड बी गिवन बाय रिलेटिव वेलोसिटी विच इज v2 माइनस v1 इज dx बाय dt। काइनेमेटिक्स की इस इक्वेशन को सबसे पहले स्प्रिंग के लिए यह इक्वेशन को लिख दिया जाना चाहिए। अब इस तरह से काइनेमेटिक्स के पैरामीटर को रिलेट करने के बाद अब हम डायनामिक्स देखते हैं। डायनामिक्स देखना मतलब फ्री बॉडी डायग्राम पर फोर्सेस, एक्सटर्नल फोर्सेस आइडेंटिफाई करके उन्हें इंडिकेट करना। अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम जो हमने बना रखे हैं उन पर एक्सटर्नल फोर्सेस हम आइडेंटिफाई करेंगे और उन्हें इंडिकेट करेंगे। ऑल्दो वर्टिकल डायरेक्शन में भी फोर्सेस हैं, बट ट्रूथफुली स्पीकिंग वर्टिकल डायरेक्शन में किसी तरह का कोई मोशन नहीं हो रहा है, कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है। वर्टिकल डायरेक्शन की फोर्सेस हैं जरूर, मगर हम अभी उन्हें इंडिकेट करना आवश्यक नहीं समझ रहे हैं। एम टू जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन, एन अपवर्ड डायरेक्शन में है, मगर उन फोर्सेस का हम कहीं कोई इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसलिए हम इंडिकेट भी नहीं कर रहे हैं अभी। एम वन जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में दोनों इक्वल अपोजिट कैंसिल कर देंगे, फोर्सेस है जरूर मगर उन फोर्सेस का हम कहीं कोई उपयोग नहीं लेंगे, इसलिए इंडिकेट करना कोई जरूरी नहीं समझ। हम काम की फोर्सेस इंडिकेट कर देते हैं। स्प्रिंग यदि एक्स से एलोंगेटेड है, एक्स से एलोंगेटेड यदि स्प्रिंग है तो इस स्प्रिंग को एलोंगेटेड रखने के लिए इस समय पर एलोंगेटेड फोर्स के एक्स दोनों तरफ इस तरह से लग रहा होगा, दोनों तरफ एलोंगेटिव फोर्स के एक्स इस तरह से लग रहा होगा। स्प्रिंग एलोंगेटेड है तो इस तरह से एलोंगेटिव फोर्स दोनों तरफ से किसी ने खींच रखा होगा, किसने, मास m2 ने इधर खींच रखा होगा और मास m1 ने के एक्स से इधर खींच रखा होगा। टू एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मास m2 ने स्प्रिंग को के एक्स से भी ऐसे खींच रखा है तो स्प्रिंग ने भी मास m2 को kx से ही इस तरफ खींच रखा होगा। और मास m1 ने स्प्रिंग को kx से खींच रखा है तो स्प्रिंग ने मास m1 को इस तरफ kx से खींच रखा होगा। इस तरीके से हमने सारी एक्सटर्नल फोर्सेस जो काम किए वो इंडिकेट कर दी। अब हम इक्वेशंस लिखते हैं, बॉडी टू के लिए इक्वेशन लिखते हैं। बॉडी टू के लिए मैं कहूंगा के एक्स इस तरफ है इस इक्वल टू माइनस ऑफ M2 into A2 और माइनस ऑफ dV2 by dt।
बॉडी टू के लिए लिखूंगा केएक्स इज इक्वल टू प्लस ऑफ एम वन इंटू ए वन, केएक्स की डायरेक्शन भी सेम है, एक्सीलरेशन की डायरेक्शन भी सेम, और एम वन इंटू डी वी वन बाय डी टी। इधर से हम डी वी टू बाय डी टी लिख देते हैं माइनस ऑफ के एक्स बाय एम टू, और डी वी वन बाय डी टी लिख देते हैं प्लस ऑफ के एक्स बाय एम वन। अब मैं ऊपर वाली इक्वेशन को देखते हुए फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकेंड इक्वेशन कर रहा हूं, डी वी टू बाय डी टी माइनस डी वी वन बाय डी टी इज इक्वल टू माइनस के एक्स बाय एम टू माइनस एक्स बाय एम वन, दिस वुड बी इक्वल टू डी बाय डी टी ऑफ वी टू माइनस वी वन, और दिस वुड बी इक्वल टू डी बाय डी टी ऑफ वी रिलेटिव। This equation minus this equation, dv2 by dt, kx by m2 minus kx by m1, dv by dt common, v2 by v1, or v relative, v2 minus v1 is v relative. अब हम जरा देखें, minus 1 by m2 plus 1 by m1 into kx ये kx common minus बाहर 1 by m2 plus 1 by m1 is equal to d of v relative by dt। अब मैं क्या करता हूं, जब मैं एक्सीलरेशन को डिस्प्लेसमेंट के टर्म में देखता हूं, एक्स के टर्म में देखता हूं, मैं डीवी बाय डीटी को डीएक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूं, इसको डीएक्स से मल्टीप्लाई भी करूंगा, डीएक्स से डिवाइड भी करूंगा, डी वी रिलेटिव बाय डीएक्स इंटू डीएक्स बाय डीटी। यह देखिए डीएक्स से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी, dt इधर लिख दिया, dx by dt मैं जानता हूं क्या है, dx by dt is v relative, तो यह हो गया v relative of dv relative by dx। I may write this equation in this manner, मैं क्या करता हूं, v रिलेटिव इंटू dv रिलेटिव इज माइनस ऑफ 1 बाय एम वन प्लस 1 बाय एम टू इंटू केएक्स डीएक्स। dx ऊपर आके मल्टीप्लाई हो गया, v रिलेटिव dv रिलेटिव ऐसा कैसे, dx ऊपर ला रहा हूं और इस पूरे टर्म में मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। नाउ आई कैन इंटीग्रेट इट ऑन बोथ द साइड्स,
यह पूरी चीज कांस्टेंट है, एक्स जी एक्स वेरिएबल इज अ वी रिलेटिव डी वी रिलेटिव वेरिएबल, मैं दोनों साइड इंटीग्रेट करता हूं, जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो यहीं का यहीं लिमिट्स भी आइडेंटिफाई कर लेता हूं। इनिशियली व्हेन एक्स इज जीरो, इनिशियली कोई एलोंगेशन नहीं है, एक्स की वैल्यू जीरो है, तो इस समय पर रिलेटिव वेलोसिटी वी नॉट है, इसकी वेलोसिटी जीरो, इसकी वेलोसिटी वी नॉट, रिलेटिव वेलोसिटी इज वी नॉट। व्हेन एक्स इज जीरो रिलेटिव वेलोसिटी इज वी नॉट। एट एनी एलोंगेशन एक्स रिलेटिव वेलोसिटी वुड बी सम फाइनाइट वैल्यू, वी रिलेटिव। अब एक्स डी एक्स का इंटीग्रल होता है एक्स स्क्वायर बाय टू, तो वी रिलेटिव डी वी रिलेटिव का इंटीग्रल होगा वी रिलेटिव स्क्वायर बाय टू, लिमिट्स फ्रॉम वी नॉट टू वी रिलेटिव इज इक्वल टू माइनस वन बाय एम वन प्लस वन बाय एम टू इंटू के एक्स स्क्वायर बाय टू फ्रॉम जीरो टू एक्स। के एक्स स्क्वायर बाय टू फ्रॉम जीरो टू एक्स, आई अप्लाई द लिमिट्स वी रिलेटिव स्क्वायर माइनस v not square by 2 is equal to minus of 1 by m1 plus 1 by m2 into k x square minus 0 square by 2. अभी तक मैंने जो भी इक्वेशन लिखी है, जितना भी कुछ अभी तक करा है, ऑल दोस इक्वेशन ऑलवेज होल्ड, अभी तक कहीं कोई कंडीशन नहीं लगाई है, यह इक्वेशन हमेशा होल्ड करेगी, यह इक्वेशन हमेशा होल्ड करेगी, यह इक्वेशन हमेशा होल्ड करेगी, इस तरीके से यह लिखी गई इक्वेशन हमेशा होल्ड करेगी, इस तरीके से इक्वेशन को हम ऐड और सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं और यह इक्वेशन ला सकते हैं। अभी तक लिखी गई सारी सारी इक्वेशन हमेशा होल्ड करेगी, कहीं कोई कंडीशन अभी तक अप्लाई नहीं करी है। और एक खास बात और देखें, कहीं मैंने एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जैसे शब्दों का इस्तेमाल अभी तक इस दूसरे मेथड में कहीं नहीं करा, कहीं पर भी मैंने मोमेंटम कंजर्वेशन जैसे शब्द का इस्तेमाल इधर कहीं नहीं करा। पूरी तरीके से मैंने फोर्स, न्यूटन्स लॉ, फ्री बॉडी डायग्राम, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन और वेलोसिटी इज डीएक्स बाय डीटी, एक्सीलरेशन इज डीवी बाय डीटी, काइनेमेटिक्स की इक्वेशंस और डायनामिक्स की इक्वेशंस, इन बातचीत को कराए। अब मैं आंसर को डिटरमाइन करने के लिए कंडीशन लगाता हूं, फॉर मैक्स एलोंगेशन, फॉर मैक्स एक्स डीएक्स बाय डीटी जो कि वी रिलेटिव है, दैट मस्ट बी जीरो। ये तो एक जनरलाइज कंडीशन है कि कोई सी भी क्वांटिटी जब मैक्सिमम होती है तो उसका डीएक्स बाय डीटी जीरो होता है, dx by dt जो हमने लिख रखा है रिलेटिव है जीरो रखी। अब इस कंडीशन को मैं इधर अप्लाई कर देता हूं, ये जो फाइनल इक्वेशन v रिलेटिव की जगह जीरो स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर अपॉन टू तो इधर ही कैंसिल हो गए, इज इक्वल टू माइनस ऑफ वन बाय एम वन
प्लस वन बाय एन टू इन टू के एक्स स्क्वायर, के एक्स की जगह एक्स मैक्स स्क्वायर, हेंस एक्स मैक्स इज इक्वल टू माइनस माइनस कैंसल्ड वन बाय एम वन प्लस वन बाय एम टू इंटू वी नॉट स्क्वायर बाय के होल अंडर रूट. दिस इज द फाइनल आंसर. This provides us an alternative method to solve the problem. बड़े ध्यान से देखें, दो मेथड मैंने बताए एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. एक मेथड में मोमेंटम और एनर्जी कंजर्वेशन लगाया और दूसरे मेथड में मैंने डायनामिक्स ऑफ काइनेमेटिक्स लगाया. मैं चाहूंगा यदि मैंने 11th प्रॉब्लम समझा दिया है तो इस 9th प्रॉब्लम को मैं काट रहा हूं. देयर इज नो नीड ऑफ सॉल्विंग 9th प्रॉब्लम. ट्रूथफुली स्पीकिंग, अब 11th प्रॉब्लम समझने के बाद 9th प्रॉब्लम तो आपको स्वयं को ही कर देना चाहिए, घर पर करना. अभी तो क्लास में हम आगे के सवाल को डिस्कस करेंगे. एक बार बड़े ध्यान से देखो इसको. वी हैव दिस टू द पावर माइनस वन. Make this correction.